Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along? हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो लाइट चले गई हमारी, तो आज नाश्ते में ब्रेड अंडा बना रही हूँ गाइस, ठीक है। तो ये मेरा फेवरेट नाश्ता है। मस्त हमारे ब्रेड टोस्ट रेडी हो गए गाइस। आज का एंड उसके साथ मिक्स जूस पियेंगे अपन। तो आइए आज का स्पेशल नाश्ता गाइस, हेल्दी नाश्ता। तो गाइस आज का मौसम मैं दिखाती हूँ। वाव, ये उठाई मैं जा रही हूँ चाय बनाने गाइस, मौसम अच्छा है। तो नाश्ता वास्ता हो गया हमारा, तो मैं ये खोल दी बिकॉज ठंडी हवा चल रही थी। रख दी मैं चाय बनने के वास्ते गाइस। मस्त बालकनी में मेरी चाय, मौसम भी अच्छा है और चाय पीने का मज़ा ज़बरदस्त है। कल मैं चांदनार को गई थी ना, बैंगल्स लाई थी ना। कल व्लॉग लंबा हो गया था और टाइम भी हो रहा था, इसके वजह से मैं बैंगल्स की शॉपिंग नहीं दिखाई आप लोगों को। तो फाइनली अब दिखाती हूँ मैं। तो ये मेरे बैंगल्स वो तो मेरे को बहुत फेवरेट गाइस। ये है फर्स्ट चूड़ियाँ, तो ये देखो गाइस ऐसे है ये। तो ये कलर के है गाइस, देख सकते हैं, कोई से भी ड्रेस पे पहन सकते हैं, मज़ा आ जाता। तो ये एक सेटली में येल्लो में, ये जस्ट ना मैं ले ली कलर्स, जो भी ड्रेस पे दिल बोला पहन सकते हैं। ये एक कलर है गाइस, ये मल्टी कलर है। कैसे दिखे आप लोग को मेरे न्यू बैंगल्स कलेक्शन गाइस? मेरे को होना था वाइट में, देख सकते इस, ये अलग से ली, ये बहुत महंगे दिए उन्होंने। इतने हैं इसमें, कितने मालूम, 1, 2, 3, 4, 12 है शायद, देख सकते, तो इसलिए मैं ये ली वाइट में। तो ऐसे है गाइस मेरे बैंगल्स के कलेक्शन, आप लोग को अच्छे दिखे होंगे। बस थोड़े ही ली मैं, नेक्स्ट टाइम, अभी तो रमज़ान बाकी है भाई, ठीक है, अभी जब लेंगे। हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, लाइक जाले वगैरह सब निकाल रहे बिकॉज रमज़ान भी करीब है एंड कल है शबे बारात। तो साफ सफाई रहे तो अच्छा रहता घर। वैसा तो हमारा घर पूरा नीट ही रहता, फिर भी रहता ना टचअप करना टचअप करके जाले निकालना। चलो स्टार्ट करेंगे, अभी शोएब आए तो हमारा काम जब से शुरू होता गाइस 1-2 बजे से, बिकॉज शोएब आके करके खाना वाना खा के स्टार्ट करते, हमें रमज़ान की प्रिपरेशन हो रहा गाइस। धूम मचाले, अरे झाड़ू फेंकते। मैं इसलिए नहीं करती गाइस बिकॉज ना सिपलक का डर रहता मेरे को दरवाजे पे मस्त मारो, वो स्टिकर निकाल दो शेफ, फिर लगाएंगे अपन अच्छे से। ये साफ सफाई करना बहुत जरूरी है गाइस लाइफ में, अगर जिंदगी में साफ और अच्छे रहना हो तो ये साफ सफाई करना जब जाके साफ करते। हम देखो बाहर के काम भी करते, घर के भी करते, सब चीजें करते गाइस, नहीं शेफ? और दूसरा अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी मेन चीज क्या मालूम, खुद का काम खुद करना। यस, लंबे है तो ना आराम से टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ रही शोएब को, लकड़ी उठा के ख़त्म, शुरू हो गए शोएब। देखो शोएब कान चढ़ गए। तो आज पूरा डीप क्लीनिंग घर में, आज हम लोग कहीं भी गए भी नहीं बिकॉज ऑलमोस्ट पूरे काम हो गए थे हमारे। कुछ काम इम्पोर्टेंट है तो जाते गाइस हम लोग का, बिकॉज ना हम लोग को अच्छा दिखता काम पहले घर का करना, फिर बाहर के पेंडिंग काम कंप्लीट करते हम लोग। शोएब हर चीज़ करते गाइस, जेंट्स है तो ऐसे रहना, वाइफ की भी हेल्प करना, बाहर का भी हेल्प करते, ऑफिस के भी काम कंप्लीट करते, मतलब ऑल अराउंड है शोएब माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हर बात पे अल्लाह का शुक्र करना गाइस। मतलब बंदे को 5 बजे जाते आते इतनी आंखों में नींद रहती, फिर भी मेरी हेल्प करते मालूम, बिकॉज दोनों एक की एक हेल्प करे तो फ्यूचर आगे अच्छा होता, राइट शोएब?
अगर अपन हेल्प हस्बैंड की नहीं करे, हस्बैंड अपनी हेल्प नहीं करे ना, एक टायर से गाड़ी नहीं चलती, दो टायर होना गाड़ी को। पूरी बिल्डिंग साफ कर रहे हैं हमारी दसा, तो पूरी बिल्डिंग में हम 9 इंच रहते हैं माशाल्लाह से। हम ऐसा भी नहीं देखते ये ओन हाउस है या रेंट हाउस है, हम सबके घर से साफ रखते गाइस। चलो भाई रेंट का घर है गाई को साफ करना, नीचे सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ सोप बोल के ऐसा नहीं करते हम पूरा, बिकॉज जब अपन रह रहे तो समझना अपना घर समझ के पूरा क्लीन रखना, नहीं शो क्या फ़ायदा होता लोगों का घर ख़राब नहीं करना कभी भी। देखो ऑलमोस्ट हमारी सीढ़ियाँ कितने साफ नीट रहते, अभी ये पूरा कचरा गिरा जाले का, ये ज़रा लाइट को भी निकाल दो शोएब कर रहे शोएब। चलो गाइस हो गया यहाँ का अंदर का बेडरूम हो गया, बस हॉल का कर लेना है। ये वगैरह निकाल दिया पूरा, माशाल्लाह से साफ हो गया। बना रही हूँ लंच में, देख सकते हैं इससे समझ सकते क्या बना रही हूँ। तो यस मैं खीमा बना रही हूँ, मटन का खीमा बना रही हूँ और उसमें आलू डालूंगी मस्त, एंड बनाएंगे अपन ऑनियन बारीक बारीक अच्छे से कट कर ली। तो अभी गए शोएब खीमा लाने, खीमा लाए बाद में अपन बनाएंगे मस्त वाला खीमा, आलू खीमा। तो गर्मी हो रही, आलू भी चिल्ले हो गए गाइस। ये गाइस फ्रूट बिस्किट खाएंगे, मस्त रहते ये मेरे फेवरेट है और ज़्यादा मीठे भी नहीं रहते ये, तो मैं सोची चलो खाएंगे अपन ये, तो मैं सोची चलो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आई थिंक ये बहुत लोगों के फेवरेट रहते, मेरे भी बहुत फेवरेट है ये। ठीक है चलो खाए बाद में मिलेंगे आपसे। ओके तो यहाँ पर बना रही हूँ मैं खीमा, तो ऑनियन डाल दी इसके अंदर गाइस। लाइट नहीं है हमारे पास, वेरी गुड, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होता कि क्या नहीं किया। अब मसाले डाल दिए मैं घर के मसाले जो अपन यूज करते, अब इस पर अच्छे से ऑनियन को बनाएंगे पकाएंगे। तो यहाँ पर डाल रही मैं मटन खीमा गाइस, के साथ बना रही हूँ दही, खीमे के साथ मैं दही बगा रही हूँ गाइस। तो सिंपल दही नमक मिक्स कर दी मैं, अब इसमें बगार डाल दूंगी, हल्दी डालूंगी मैं। दही बगार दी मैं, अभी खीमा बन रहा। ठीक है चलो मस्त दिख रहा, देखो एकदम जबरदस्त, खीमे के साथ दही बगार के खाते ना ऑसम कॉम्बिनेशन रहता गाइस, जबरदस्त। तो मस्त हमारा खीमा बन रहा, बस थोड़ा पानी है सूख जाता, फिर मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये हमारा लंच प्लस डिनर, फाइनली हमारा खीमा आलू रेडी हो गया मस्त एकदम सूखा सूखा, उसके साथ दही की कड़ी मस्त रहता गाइस। तो गया तो अभी आए हम लोग बालकनी में, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मौसम आज बहुत प्यारा हो गया ना शोर, बहुत प्यारा हो गया और हमारे काम भी अच्छे से हो गया माशाल्लाह, पूरा डीप क्लीनिंग हो गया हमारा। अब हम लोग तो वेटिंग कर रहे रमजान कब स्टार्ट होता। ये टेलर के पास से ड्रेस, इसके तो मालूम ना रेडीमेड के ऑफ स्लीव्स रहते, तो ये आ गया मेरा ड्रेस फाइनली। ठीक है तो अभी लाए शोएब, और भी मेरे ड्रेसेस थे दी थी स्टिच कराने, वो भी आ गए, इसके खाली ना स्लीव्स डलाना था बस हो गया इसका। तो आज ये वेयर करेंगे गाइस माशाल्लाह से, एंड वो कैसे स्टिच हुए वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ओके तो चलिए मेरे साथ ये बैंगल सूट होते तो आज ये पहनेंगे अपन, तो ऐसा तो कुछ भी स्पेशल डे नहीं है, तो बस दिल बोलता कभी कभी पहन लेना गाइस। ठीक है अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग यार, आज ना आप लोगों से ये चीज़ शेयर करेंगे सोचा मैं। अपनी जो फ्रिज है ना ये ख़राब हुई थी आप लोगों को मालूम है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ ब्लॉक था इसके नीचे, मतलब जो हुआ परसों। सो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता, इसलिए मैं सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ये चीज़। जो भाई साहब हमारे पास एक टेक्नीशियन आए थे ये फ्रिज को रिपेयर करने के वास्ते, तो उन्होंने क्या बोले इसके अंदर एक्चुअली ना ये कन्वर्टेबल फ्रीजर है ना, इसके अंदर एक फ्रीजर में फैंस आते, तो बहुत सारे जनों के फैंस, मतलब हर फ्रिज में आजकल जो नया फ्रिज है ना ये जो दिख रहा है ना गाइस, इसके पीछे ना फैंस रहते, ये जो है ना इसके पीछे दो फैन रहते। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे फैन आना है, मैं इसलिए आप लोगों को ये चीज़ दिखा रहा हूँ।
ये ऐसे दो खाना है इसके अंदर है। सो ये जो व्हाइट कलर का है ये पूरा बाहर आया था, होल दिख रहे ना, दिखाया ना लास्ट व्लॉग में, लास्ट दिखाया ना, ये पूरा बाहर आया था। सो उसके अंदर ये फैना धरते लगे हुए, तो ये तो मैं पुराने फैना है। सो ये फैना भाई साहब बोले चले गए, तो ये फैना दर दियो एक दिखाओ, ये है ना, हाँ ये ऐसा फैन रहते है उसके अंदर। तो फैना खराब हो गए हमारे फ्रिज के, दो फैना खराब हो गए ऐसा रहते है, दो भी फैना खराब हो गए बदलना बोले। तो भाई साहब क्या करे बोले तो हमारे साथ इस गेम खेल लिए, तो उन्होंने क्या बोले एक एक फैन जो है ना 2000 रुपये का कुछ रहता, 1500-2000 के अंदर रहता बोले। मैं बोला अच्छी बात है ठीक है भाई अपने वाले चलो लाते अच्छा बनाते बोल के अपने भरोसा कर दिए। तो भाई साहब ये लेके गए, पैसे भी पूछे उस दिन ब्लॉग में भी बोले, पैसे भी दे दिए हमने एडवांस, चलो काम होता होगा बोल के, बिकॉज फ्रिज आप लोगों को मालूम ना इसकी कितनी ज़रूरत है अब दुकाने में। तो मेन अली है तो छोटे बच्चे है तो दूध के वास्ते तरकारी है पानी है हर चीज को प्रॉब्लम ही है। तो मैं बोला उनको रिक्वेस्ट भी करा देखो कैसा भी करो जल्द से जल्द कर दो। तो भाई साहब वो पैसे भी दिया, ये इसका पार्ट भी ले लेके गए, आपने वीडियो में देखे, ले लेके जाके क्या करें 3 दिन थकाए कंटिन्यूसली फोन कर रहा हूँ उठा रहे नहीं ऐसी चीज। ये मैं आप लोग इसलिए शेयर कर रहा हूँ बिकॉज अब जो समर में हमारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ ना आज, या ये सब चीजें सबके साथ होते समर में खुसूसन, तो ऐसे टाइम पे ना ये जो टेक्नीशियन रहते हैं ना गेम खेलते, तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि तुम लोग भी ना अवेयर हो जाना है चीज़ों से। सो ले लेके जाके 3 दिन पैसे भी ले लेके जाके करे ने काम, 3 दिन थका रहे थे। मैं बोला भाई ऐसा नहीं होने वाला है, जाके डायरेक्ट स्टोर पे चले गया, जाके देखा तो हमारा जो ये है जो पुराने खाना लगे हुए है कुछ भी नहीं चाहिए, उन्होंने पूरे एक ढेर है उनके पास, मतलब जो भी हार्डवेयर है नीचे पड़े हुआ है हमारा सामान, मतलब उठा के उन्होंने ले जाके डाल दिया वहाँ पे उस दिन कुछ भी उसके पास। पैसे ले लिए काम खत्म हो गया एडवांस, पैसा हाँ पैसा हजम काम खत्म, बस काम तो करे नहीं ले लिया रख दिए। मैं बोला भाई ये नीचे पड़े हुआ है ऐसा कैसा बोले, तो मैं करने वाला था बोल के वहाँ से ब्लफिंग स्टोरियाँ शुरू है। बोला आप करने का ना को कुछ भी नको, पार्ट मेरे को दे दो आप कुछ भी नको, मैं ले लेके आ गया पार्ट सुबह में लेके आ गया, पैसे उनके नहीं से मैंने लिया पैसे, ले लेके आके पार्ट में वीडियो देखा वो क्या है क्या, यूट्यूब पे वीडियो देखे, यूट्यूब पे सब चीज है, कोई चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ती, कोई टेक्नीशियन की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बोले ऐसा है जो ट्यूटोरियल है देख लिया, एक फैन 500 रुपए का है खाली, 500 रुपए का एक फैन, तो एक फैन कितने के बोले, एक फैन 1500 से 2000 के बीच बोले, दो फैन के समझो 3000 4000 उनका, फिर अलग अलग से उनके 1000 रुपए पहले दिए, फिर लाके फिटिंग करने का 1000, मतलब 5-6 हज़ार का बिल पक्का था अपने ऊपर चिपकाने का। हाँ। लेकिन काम नहीं करे, काम करते तो 5-6 हज़ार भी अपन देने रेडी थे। हाँ। अपन क्या समझते भाई काम हो गया ना भाई चलो काम बंदा कर दिया, नहीं करे। हाँ। तो ये 500 रुपए में एक फैन मिला खाली 500 रुपए मेहनत के पैसे का ही नहीं जाते बोलते थे, ओरिजिनल है सैमसंग का माशाल्लाह, ये तो पुराने फैन है नए फैन मैं खुद ले लेके आके फिट कर दिया अंदर लगा, अंदर देखो लाइट ऑन हो गई गाइस देख सकते हैं, लाइट्स ऑन हो गए अंदर ऑलरेडी माशाल्लाह ठंडा होना शुरू हो गया, नीचे का भी दिखा नीचे भी देख सकते हैं आप लोग, ऑलरेडी शुरू हो गया सब स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, अंदर ठंडा भी होना शुरू हो गया नीचे, अंदर ठंडा भी होना स्टार्ट हो गई गाइस माशाल्लाह से, मतलब ये आजकल चल रहे सो फ्रिज है ऐसा नहीं है भाई बहुत पुरानी जमाने की है बोल के, कितने 3 साल कंप्लीट 4th ईयर है शायद, हाँ 10 इयर्स वारंटी है भी इसकी, लेकिन जब वारंटी थी ना अपन कहीं को नहीं करे, वारंटी कंप्रेसर के उस पे रहती है, ये फैन होना ये सब अपन कर लेना, अच्छा कंप्रेसर की वारंटी है देखो 10 इयर्स ऑन द कंप्रेसर, सो कंप्रेसर मोटर गया तो उसकी वारंटी मिल जाती है, अभी छोटे मोटे अपने हाथ में रहता, तो अपन 500 रुपए की चीज को 3 दिन थका के 1000 रुपए पैसे भी दे दिए अपन पहले, वो भी नहीं कर, नया एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में, मैं सुबह में वहां से लिया पूरा 2 घंटे का काम नहीं था, कर लेते तो अपन दिल जीत लेते तो अपन और एक्स्ट्रा भी पैसे दे देते थे उनको, मुंह खोले ना उन्होंने भाई 5000 रुपए को बोले तो अपन 5000 रुपए आंखा बंद करके दे देते, बस काम करके आया ना फ्रिज बन गई बोल के खुश हो जाते, काम करके ले लेके आए तो अपन भी भाई चलो फ्रिज बना दिया ना बोल के दे देते, ये टैक्स लगाओ जीएसटी लगाओ सर्विस चार्ज लगाओ कुछ भी लगाओ मैं दे दे, मेरे को वही 1000 रुपए में चीजा मिले दो, अब मैं क्या बोलूं बोलो, ये इसलिए आप हमसे शेयर कर रहा हूँ ना अपन खुद ही अपना काम कर ले सकते हैं, यूट्यूब पे हर वीडियो ट्यूटोरियल्स हर चीज मिलता, हर चीज आप सीख सकते हैं यूट्यूब पे, भोजन है जो टीच करते हैं यूट्यूब पे, आप जाओ ये मारो ये कैसा रिप्लेस करना, हजारों वीडियोस है शॉर्ट्स है सब बने हुए देखो समझ गए, ला लिया मैं ओरिजिनल मिले सेम टू सेम लागे पूरा शो भी फिट कर लिया गाइस, आन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कोई जरूरत ही नहीं पड़ी किसी की अननेसेसरी, नहीं 5000 रुपए क्या है,
हम इसलिए आप लोग को ये छोटे छोटे हमारे ज़िंदगी में होते सो चीज़ें इसलिए दिखाते, खुशी भी दिखाते गम भी दिखाते, बिकॉज ना आप लोग को भी इससे ना एक्सपीरियंस हो जाता कि अरे इन ऐसा करे थे, इनसे ऐसा करना, अपन भी ऐसी करेंगे। आज ना तो कल सबकी फ्रिज ख़राब होती, आज ना तो सबके लाइफ में प्रॉब्लम कुछ तो भी आते, बिकॉज ना ये ज़िंदगी है, खाना पीना, फ्रिज ख़राब होना, टीवी ख़राब होना, सब एक लाइफ का पार्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रिज ऑन है गई, देख सकते आप लोग माशाल्लाह। मैं जा रही हूँ चाय बनाने, शोएब अब भी आया तो अभी चाय होना बोल रहे थे, चाय बना के मिलती हूँ मैं आपसे पी के। मतलब हमारा तो रमज़ान का पूरा जो क्लीनिंग वगैरह था ना गाइस, रमज़ान की तैयारी पूरी माशाल्लाह से, बस किचन के जो कंटेनर्स रहते ना वो वॉश करना है, बाकी का हर चीज़ हमारी साफ हो गई माशाल्लाह से। तो ऐसी सबके घर में यही चल रहा होगा अब रमज़ान आ रहा बोल के, तो बिकॉज रोज़ों में ये सब चीज़ें नहीं होते ना गाइस, इसलिए तो दो तीन दिन से ठंडा पानी नहीं पी के बहुत बेजार हो गया था, फाइनली बन गई। जो हमारे ज़िंदगी में, जो हमारे दिन भर में जो होता वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ गाइस। तो ये था गाइस आज का व्लॉग, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना। फिर मिलती हूँ ज़बरदस्त व्लॉग के साथ, टिल देन अल्लाह हाफिज़ गाइस, बाय।